जिंदगी एक संगीत है, बस सुर से सुर मिलाते चलो, मत छेड़ो नफरतों के साज, तुम प्रेम के गीत गाते चलो, तुम प्रेम के गीत गाते चलो। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गिटार। आज हम गिटार की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम पार्ट्स ऑफ गिटार भी बोल सकते हैं। तो आइए चलते हैं। मोस्टली गिटार को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, नेक और बॉडी। सबसे पहले हम हेड के बारे में बात करेंगे। हेड में ये जो आप ट्यूनिंग कीज देख रहे हैं, इनका काम होता है कि ये स्ट्रिंग्स को ट्यून करती हैं, टाइट और लूज करती हैं। और सेकंड हम देख रहे हैं कि हेड के बिल्कुल नीचे ये इसका नाम है नट, और नट का काम होता है 6 की 6 स्ट्रिंग्स को अपनी जगह पर स्थिर रखना और एक सीमित ऊंचाई पर रखना। और आगे आप देख रहे हैं ये जो सारा का सारा लंबा फ्रेट बोर्ड है, इसको हम नेक बोलते हैं, और नेक के ऊपर ही ये 6 स्ट्रिंग होती हैं और उनको नट अपनी जगह पर रखता है स्थिर। और सारे फ्रेट बोर्ड पर आप ये ब्लॉक देख रहे होंगे, इन ब्लॉक्स का ही काम है कि हर एक ब्लॉक और हर एक स्ट्रिंग मिलकर एक स्वर बनाती है। और ये इनके ऊपर आप ये देखोगे कि वाइट डॉट जो बने हुए हैं, इनका काम है ये याद करवाना कि कौन सा कॉर्ड कहाँ पर है और कौन सा स्वर कहाँ पर है। ये आपके लिए काम आते हैं। और आगे हम बात करेंगे लास्ट पार्ट, बॉडी। बॉडी पर आप ये साउंड होल देख रहे हो, इसका काम है साउंड को क्रिएट करना। अगर आप किसी स्वर को प्ले करते हैं तो स्वर अंदर साउंड जाता है और बाहर आता है, बस इतना ही काम है इसका। और लास्ट पर हम देखेंगे कि जहाँ पर सारी की सारी स्ट्रिंग्स ख़त्म होती हैं और वहाँ पे होता है ब्रिज, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट है स्ट्रिंग्स का, ब्रिज। बस इतने ही पार्ट्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे गिटार सीखने में। तो आपको बेहद अच्छा लगा होगा हमारा ये सारा कंसेप्ट सुनकर, तो बहुत बहुत धन्यवाद।